السلام علیکم. آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں لا توماتینا. توماتینا مطلب وہ آپ نے اسپین کا فیسٹیول کا نام سنا ہوگا جہاں پہ ٹماٹروں سے مارتے ہیں, وہاں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے ہر چیز کو کور کریں اور ہر چیز آپ کو دکھانے کی کوشش کریں. Lanzó el primer tomate y la lió. Lo que se armó tuvo gran repercusión. Nuestro pueblo valenciano se consagró. Qué bien me lo pasó aquí en Buñol, rodeada de tomates y de acción. Lánzame el tomate y acierta por favor. A ti el free Red Bull. شیخ و شیطان جی بوہیم بھی یہ اکھ رکھ دا نا گیٹ واکاں تے اس گل دا سکون باڑا ہے
ये था ला टोमाटिना टोमेटो फ्राई, बाकी तो आपने वीडियो में देखा होगा कि तबाही उतारी है मेरे कपड़ों की भी, और नई शर्ट ली थी सिर्फ इसी फेस्टिवल के लिए जो कि इसी काम आती है। बाकी इस फेस्टिवल में और कुछ भी नहीं है सिवाय लड़ाई के और टमाटर ज़ाया करने के। खैर मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं चला आया, अरे इतना कोई शौक नहीं है टमाटर ज़ाया करने का, लेकिन ये भी एक काइंड ऑफ फन है। इन्होंने अपने पुराने टाइम का चलता आ रहा है।
ये था स्पेन का फेमस फेस्टिवल ला टोमेटिना 2018। काफ़ी मुशक्कत के बाद, बड़ी देर नहाने के बाद, कुछ साफ सुथरा हो के टमाटर शटर उतार के आया हूँ आपके सामने। ये फेस्टिवल पे पहुँचना था, 11 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे ख़त्म होता है। थोड़ा सा लेट हो गए थे, बैंड्स थे, एंट्री टिकट वगैरह जो थी वो सब ख़त्म हो चुका था। और फिर मसला का अच्छा था तो एक बंदा था, वो उसकी टांग पे बेचारे के कोई चोट लगी थी, अल्लाह उसको सेहत दें, उसने अपना जो है ना हमें दे दिया था। खैर फ्री नहीं दिया था, दे दिया था लेकिन सस्ते में दिया था। उसके बाद जो मेरा जो भतीजा साथ था, माई नेफ्यू, उसका जो था उसके लिए बैंड नहीं था, तो टिकट काउंटर पे जाके बहुत रिक्वेस्ट की तो वो नहीं माने। लेकिन एक और बंदा अंदर था, उसने देखा कि इसके पास है, उसके पास नहीं है, तो फिर उसने एक फ्री में दे दिया। उसका तो बहुत ज़्यादा थैंक यू कि उसने फ्री में दे दिया। तो इस तरह हम दोनों एंटर हो गए। बाकी जैसे आपने सारा वीडियोज़ में देखा, थोड़ा सा फ़न तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन दूसरी सेंस में अगर सोचो तो थोड़ा सा दिल को भी कुछ होता है कि यार इतना जितना ये ज़ाया करते हैं हम लोग, लोगों के पास खाने को नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान में कहते हैं जी इतने महंगे हो गए टमाटर, सानू लभदे नहीं, तो तुसी एक दूजे ने मार रहे हो। बात सही है बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है इस तरह। लेकिन अब इनका एक ट्रेडिशन चल रहा है, क्या कर सकते हैं। बाकी इसकी जितनी भी हिस्ट्री है, जो भी इसकी हिस्ट्री इंग्लिश में है, स्पेनिश में है, उर्दू में है, हिंदी में, जैसे भी मुझे मिली है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ताकि आप वो पढ़ सको। जो है नेशनैलिटीज़, हर टाइप की नेशनैलिटी आई हुई थी, हर टाइप का बंदा आया हुआ था। इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, सिख थे, यूके से आए हुए थे, जर्मनी से, फ्रांस से, मतलब पूरे यूरोप से लोग आए हुए थे, और यूरोप के बाहर से भी आए हुए थे। एशियन बहुत ज़्यादा थे, चाइनीज़, जैपनीज़, कोरियन बहुत ज़्यादा थे। आपने वीडियो में देखा होगा बहुत ज़्यादा चाइनीज़ और इंडियन आपको नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा ये लोग आए हुए थे। और अब हमें तो बहुत फ़ायदा कि हमारे यहाँ से आई थिंक 30-35 किलोमीटर हैं, लेकिन लोग 500-600 किलोमीटर और इवन जर्मनी से 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके या बाई एयर वो सिर्फ इस फेस्टिवल के लिए आए थे, जो सिर्फ एक आवर का होता है, एक घंटे का होता है। और सारों ने बहुत इन्जॉय किया, आपने वीडियो में भी देखा है कि हर बंदा खुले दिल से इन्जॉय कर रहा था, तो पैसे पूरे कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पे इनके सर्विसेज ऐसे हैं कि पोर्टेबल वाशरूम्स भी होते हैं, मतलब जो डब्बे लगाए होते हैं वाशरूम भी होते हैं इनके, खाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों ने रखी होती हैं। स्पेनिश डिशें होती हैं और ज़्यादा हलाल हराम का थोड़ा चक्कर होता है, तो फिर हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। और कुछ आई थिंक 2-3 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, लाइक कबाब, तुर्किश डोनर कबाब है, वो होते हैं उनके पास, जो कि हम लोग खा सकते हैं। खैर हमने खाया कुछ नहीं क्योंकि घर बिल्कुल पास है, तो हम लोगों ने टाइम बचाया और वापस आए, क्योंकि आज ऑफिस भी जाना है, वर्किंग डे है। ये बड़ी प्रॉब्लम है इनकी फेस्टिवल की कि हर अगस्त की ना आखिरी वेनसडे को ये मनाते हैं, और वो वर्किंग डे होता है, हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैं निकल आया था कि मुझे वीडियो बनानी थी, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमी है तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी, आगे भी कोशिश करेंगे। जो भी फेस्टिवल स्पेन का आता है, जो फेमस है, जो दिखाना चाहिए, जो भी जगह है ऐसी दिखाने वाली, वो पूरी कोशिश करूँगा कि सब कुछ आपको दिखा सकूँ और जितना मैक्सिमम घुमा सकूँ, और आप लोगों के बारे में भी घूमूंगा। और वहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ थी कि आप जब फुल गंदे हो जाते हो तो वहाँ पे जो रेजिडेंट है वहाँ के, उन्होंने पाइप्स लगाई हुई हैं, वो आपको नहलाते हैं, तो आपको वो पाइप्स लगा के आपको नहलाते हैं। और कुछ बार वगैरह हैं जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने भी पाइप्स लगाई हुई हैं, लेकिन वो आपसे चार्ज करते हैं, कोई 2 यूरो चार्ज करते हैं, कोई 1 यूरो चार्ज करता है। लेकिन ठीक है, जितनी गंदगी हुई होती है, जितना बंदे को अजीब सा होता है, तो उस टाइम के लिए ठीक है, वो 5 यूरो भी मांगे तो लोग खुशी खुशी दे देंगे।
तो लेकिन जो फ्री करते हैं उनके लिए तो बहुत शुक्रिया। मैं वहाँ पे जितना भी अभी साफ सुफ हो के आया था वो फ्री में ही होके आया था। बाकी जो मैक्सिमम मैंने कोशिश किया था कि मैं उसको कवर कर सकूँ, गोप्रो था, बार बार गंदा हो जाता था, वो टमाटर लगते थे तो उससे कुछ आपको थोड़ा सा तंग हुए हो आप, जैसे कि आपने देखा कि ब्लर हो जाता था बार बार, कोई ना कोई आगे पानी या टमाटर आ जाता था। मोबाइल तो आप लेके नहीं जा सकते, आप अगर मोबाइल लेके जाओगे तो या तो उसको वाटरप्रूफ कवर में डालो या कुछ ऐसा करो तो ही बच सकता, नहीं तो आपका फ़ोन नहीं बचेगा, वो गीला हो जाएगा। मेरे पास जो है वो वाटर प्रूफ तो नहीं है लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लिया कि अभी नया ही लिया तो पैसे ना ज़ाया हो जाए। बाकी आपने वीडियो देखी, बाकी आप मुझे नीचे बताएं लिख के कि क्या अच्छा था क्या बुरा था और आपको कैसी लगी वीडियो। और आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर बुरी लगी तो डिसलाइक ना कीजिएगा लेकिन कर दीजिएगा, ऑप्शन है तो डिसलाइक का, तो वो भी आप कर देना। आपको अगर अच्छी नहीं लगी तो आप बिल्कुल डिसलाइक करो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूँ और अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करूँ ताकि मुझे डिसलाइक कम मिले। ओके ब्रदर एंड सिस्टर्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।